अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज दो दिन की बारिश के बाद ये मौसम निकला है, माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है बारिश के बाद धूप आ गई है, क्योंकि धूप की वजह से ना अब सारे रौनक रौनक नज़र आ गया। तो ये हमारे मुर्गे हैं, 10 मुर्गे हैं, और ये देखें, मुझे देखें, मेरी तरफ आना शुरू हो गया है। और एक बार वीडियो देखिए, पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाती हूँ, आप लोग वो वीडियो देखो, उसके बाद वही चीज़ मैं अब अपने मुर्गों के साथ करने वाली हूँ। आप लोग रेडी हो? Yes. हाँ जी, तो मेरे बच्चे भी रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हम वो चीज़ करते हैं, करके मैं आपको बताती हूँ। अभी तो ये मेरे साथ बड़े लाड़ियाँ लाड़ लगा रहे हैं ना, पास पास आ रहे हैं, तो जब इनको पता चल गया कि हम इनको पकड़ने वाले हैं तो ये हमसे दूर भागेंगे। आप वो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। चले जी। हाँ जी, तो ये वो तरीका है, पहले मुर्गे को पकड़ते हैं, उसकी हेड नीचे लगाते हैं, उसके बाद लाइन खींचते हैं। लाइन खींचते हैं तो मुर्गा जो होता है ना, वो उधर ही स्टक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और अभी हम भी ये करके देखते हैं, उसने लाइन हटा भी दिया और मुर्गा वहाँ से हिला नहीं है, तो फिर हम भी ये करके देखते हैं कि क्या ये वाकई में होता है या सिर्फ इट्स जस्ट अ वीडियो। लेकिन वीडियो में भी मुर्गे को किसी ने पकड़ा नहीं हुआ, मुर्गा खुद ही स्टक हुआ पड़ा। चलें जी, वो खुद ही उठ के पकड़ लिया है मुर्गा। अब हम चलते हैं नीचे, और नीचे जाके वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो भाई, चलो नीचे फटाफट से भागो नीचे। हम होगा हमारी कौन सी जमीन पे? इस जमीन पे, कच्ची जमीन पे। इधर आ जाओ जरा, इधर मुर्गा लेके ना, जूता किधर है तुम्हारा? जाओ इसका जूता लेके आओ। अच्छा, तो इधर हम वो काम करेंगे इस अपने जू वाली जगह पे, इधर हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मुर्गा कैसे रिएक्ट करता है, क्या ये सच भी है या नहीं, ये भी हम इधर देखेंगे। हाँ जी, तो ये मुर्गा है हमारा, ठीक है। अब हम इसको लेके करने लगे हैं एक्सपेरिमेंट। चलो लटाओ इसे, लटाओ इसे, लटाओ लटाओ। हाँ नहीं, ऐसे ही, ऐसे ही पकड़ी रखो, ऐसे ही पकड़ी रखो। टांगे इसकी दूसरी साइड पे, इसका मुंह नीचे लगाओ, मुंह नीचे लगाओ, मुंह नीचे लगाते हैं। हाँ, इस तरह, इस तरह को। इधर तो घास बहुत ज्यादा है, इस घास को थोड़ा सा उतार ले, कर उतारो भाई इस घास को थोड़ा सा, इस तरह नहीं। रुको 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 रुको, घास उतार दिया, बस ठीक है। अभी इधर से शुरू करते हैं, रुको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरी इधर से रख के ना, ये तो हमारी लाइन ही नहीं सीधी आ रही। एक मिनट, अभी नहीं छोड़ना, अभी नहीं छोड़ना, अभी नहीं छोड़ना। चलो आस्ता आस्ता, आराम आराम से, पहले एक साथ। ये तो मुंह इसने हिला लिया अपना, है ना, बट ये हिल नहीं रहा। वाह, एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, वो हिल नहीं रहा। रुको 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 रुको, अभी उधर ही रहने दो, उधर ही रहने दो, उधर ही रखो, उधर ही रखो, रखो आराम से। ये यहाँ पे साकिन पड़ा हुआ है, अभी इसको पीछे हो जाओ, आप उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, यस, ये बिल्कुल दुरुस्त है। चलो उठा लो, उठा लो, उठा लो। चलो जी, वो उठ गया। चलें जी, ये वक्त बस। हाँ जी, तो जैसे तो वैसे वीडियो में था ना, वैसे हमारा उतना क्लियर नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक हो गया है क्लियर। तो आज की वीडियो में मेरा मकसद यही था कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करके देखूं कि ये सही भी होता है या नहीं। तो फिलहाल तो सही हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, लेकिन पूरा 100% नहीं। एक ये भी तो वजह हो सकती है ना कि ज़मीन गीली है, शायद गीली ज़मीन की वजह से पूरा सही नहीं हुआ, लेकिन जब ये खुश्क हो जाएगी तब हम एक दफ़ा फिर से ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या बनता है, सही होता है कि नहीं होता। खैर, अब मुर्गा हम ऊपर छोड़ आए हैं, ठीक है। तो आज तो माशाल्लाह देखें धूप, तो आज फिर इसी के साथ अपनी बहन को दें इजाज़त, और दे देखें। कल की व्लॉग में मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जब धूप होती है तो ये फूल खिल जाती हैं, ये देखें, और कल की वीडियो में कैसे मुरझाए हुए थे, तो मैंने आपको यही बताया था कि जब धूप होती है तो ये ज़ाफ़रान के फूल जो हैं ये खिल जाते हैं, जब बारिश होती है या बारिश का मौसम होता है तो ये आपस में वो जुड़ जाते हैं, लाइक खिलते नहीं हैं। तो इसी के साथ अपनी बहन को दे इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।